हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं नेहा। इफेक्टिव आइलेट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडेज़ वीडियो सो स्पेशल बिकॉज़ मैंने ऐसे 50 सेंटेंसेस की कंपाइलेशन की है जो कि डेली बोले जाते हैं। आई पर्सनली यूज़ ऑल ऑफ देम एंड ऑल्सो हैव सीन अदर्स यूजिंग दीज सेंटेंसेस, जैसे कि समझदार को इशारा काफ़ी, ज़्यादा भाव मत खाओ, उसे पैसों का घमंड हो गया है, तुम्हें बुरी नज़र लग जाएगी, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, एंड ऐसे और बहुत सारे सेंटेंसेस। ऑल द सेंटेंसेस आर शॉर्ट एंड प्रिसाइज। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, मदर्स एट्सेट्रा, सो दैट दे ऑल्सो कैन लर्न डेली यूज इंग्लिश। सो लेट्स हैव अ लुक एट आर फर्स्ट सेंटेंस। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। नेक्स्ट वन इज, मैं नवंबर में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन नवंबर। मैं नवंबर में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन नवंबर। अगला सेंटेंस है, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। वह मेरे दूर का रिश्तेदार है। ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। अ वर्ड टू वाइस इज इनफ। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। अ वर्ड टू वाइस इज इनफ। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। क्या तुमने कोशिश की? Did you try? क्या तुमने कोशिश की? Did you try? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। It's a 9 day wonder. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। It's a 9 day wonder. आप तो बिल्कुल भोले हो। You are so innocent. आप तो बिल्कुल भोले हो। You are so innocent. वह बड़ा पत्थर दिल है। He is very hard hearted. वह बड़ा पत्थर दिल है। ही इज़ वेरी हार्ड हार्टेड। क्या झगड़ा है? व्हाट्स द डिस्प्यूट? और यू कैन ऑल्सो से व्हाट्स द मैटर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं व्हाट्स द फाइट, राइट? अगला सेंटेंस देखते हैं। ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड। ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड। ढक्कन मीन्स लिड, खोल दो मतलब ओपन। दीवार का सहारा मत लो। Do not lean against the wall. दीवार का सहारा मत लो। Do not lean against the wall. ऊंचा बोलो, speak aloud. ऊंचा बोलो, speak aloud. और you can also say speak loudly. Right? अगला sentence है हमारा, दबे पाँव चलो, walk on tiptoes. दबे पाँव चलो, walk on tiptoes. उसके बाद है हमारा sentence, मुझ पर एहसान मत करो। डू नॉट फेवर मी। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। यहाँ पे नज़ाकत का मतलब क्या हुआ? डेलिकेसी, राइट? समझो मतलब अंडरस्टैंड। समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अगला सेंटेंस है, इशारा मत करो, डू नॉट मेक जेस्चर्स। इशारा मत करो, डू नॉट मेक जेस्चर्स। आटा गूंथ लो, नीड द फ्लोर। अब ये देखो, जितने भी सारे सेंटेंसेस हम देखे हम लोगों ने, ये रोज़ के रोज़ रोज़ाना यूज़ होने वाले हैं, राइट? अब जैसे इसी की एग्जांपल दें तो हर घर में कितनी बारी आटा गूंथते होंगे, राइट? तो तब हम क्या बोलते हैं? नीड द फ्लोर। आटा गूंथ दो, नीड द फ्लोर। रोटियां सेक लो, बेक द चपातीज। रोटियां सेक लो, बेक द चपातीज। खाना लगा दो, सर्व द फूड। खाना लगा दो, सर्व द फूड। अपना गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट योर एंगर। अपना गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट योर एंगर। अगला सेंटेंस है, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। डोंट टॉक टू मी एट द टॉप ऑफ वॉइस। मुझसे
ऊंची आवाज में बात मत करो, डू नॉट टॉक टू मी एट द टॉप ऑफ वॉइस। अगला सेंटेंस देखते हैं, किसी के इशारों पर नाचना, डांस टू समबडीज ट्यून्स। किसी के इशारों पर नाचना, डांस टू समबडीज ट्यून्स। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, आई विल ऑलवेज रिमेन इंडेबटेड टू यू। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, आई विल ऑलवेज रिमेन इंडेबटेड टू यू। अगला सेंटेंस है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। 28th सेंटेंस है हमारा, मैं कल आपको फोन करूंगा, आई विल कॉल यू टुमारो। मैं कल आपको फोन करूंगा, आई विल कॉल यू टुमारो। वह बहुत मतलबी है, मतलबी मीन्स सेल्फिश, ही इज सो सेल्फिश। वह बहुत मतलबी है, ही इज सो सेल्फिश। क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका, इज दिस द वे यू टॉक। क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका, इज दिस द वे यू टॉक। मैंने यह बात नहीं कही, आई डिडंट मेक दिस रिमार्क। मैंने यह बात नहीं कही, आई डिडंट मेक दिस रिमार्क। वह बहुत सुंदर है, शी इज ड्रॉप डेड गॉर्जियस। वह बहुत सुंदर है, शी इज ड्रॉप डेड गॉर्जियस। वह बहुत खर्चीला है, ही इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट। खर्चीला मतलब स्पेंड थ्रिफ्ट, जो कि बिना मतलब खर्चा करे। वह बहुत खर्चीला है, ही इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट। कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता, कोई भी नोबडी ऐसा अपमान सच इंसल्ट सहन नहीं कर सकता। सहन करना मतलब बियर करना। नोबडी कैन बियर सच इंसल्ट। कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता, नोबडी कैन बियर सच इंसल्ट। तुम्हें वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तुम्हें वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रीच देयर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रीच देयर। नंगे पैर मत चलो, डू नॉट वॉक बेयर फुट। नंगे पैर मत चलो, डू नॉट वॉक बेयर फुट। नेहा एक अच्छी लड़की है, नेहा इज अ गुड गर्ल। नेहा एक अच्छी लड़की है, नेहा इज अ गुड गर्ल। मैं एक अध्यापिका हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापिका हूँ, आई एम अ टीचर। दवाई खराब हो गई है, द मेडिसिन हैज एक्सपायर्ड। दवाई खराब हो गई है, द मेडिसिन हैज एक्सपायर्ड। अगला सेंटेंस है, मेरे पैर में मोच आ गई है, आई ट्विस्टेड माई एंकल। मेरे पैर में मोच आ गई है, आई ट्विस्टेड माई एंकल। मेरी एड़ी में सूजन है, आई हैव गोट अ स्वोलन एंकल। मेरी एड़ी में सूजन है, आई हैव गोट अ स्वोलन एंकल। मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ, आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। घमंड मतलब एरोगेंस, नॉट गुड मतलब अच्छी बात नहीं है। इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। उसे पैसों का घमंड हो गया है, ही हैज़ बिकम ब्रैगर टुवार्ड्स मनी। उसे पैसों का घमंड हो गया है, ही हैज़ बिकम ब्रैगर टुवार्ड्स मनी। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, आई एम नॉट एनी पपेट। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, आई एम नॉट एनी पपेट। तुम्हें बुरी नज़र लग जाएगी, यू विल गेट एविल आई। बुरी नज़र मतलब एविल आई। तुम्हें बुरी नज़र लग जाएगी, यू विल गेट एविल आई। उसकी नज़र उतार दो, वार्ड ऑफ द एविल आई ऑफ हर। उसकी नज़र उतार दो, वार्ड ऑफ द एविल आई ऑफ हर। वह तुम्हें भाव नहीं देती है, शी गिव्स यू कोल्ड शोल्डर। वह तुम्हें भाव नहीं देती है, शी गिव्स यू कोल्ड शोल्डर। लास्ट सेकेंड सेंटेंस है हमारा, ज़्यादा भाव मत खाओ,
डोंट एक्ट सो प्राइसी यूज़ करते हैं ना हम लोग अपने किसी फ्रेंड को या किसी को बोलने के लिए, कहीं कभी कुछ जाना हो या भाई को या बहन को, कई बार भाई या बहन हमारा कोई काम नहीं करता तो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा भाव मत खाओ, तो तब हम क्या बोल सकते हैं, डू नॉट एक्ट सो प्राइसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आई एम स्टार्विंग। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आई एम स्टार्विंग। सो गाइज, दीज वर द सेंटेंसेज, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ इट सो, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स सो दैट दे ऑल्सो कैन लर्न इंग्लिश इन द ईजी वे। थैंक यू सो मच।